अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को कोलेसिस्ट भी कहते हैं और ये एक सैक नुमा स्ट्रक्चर है जो पियर की शेप का होता है और ये हमारे लिवर की जो राइट लोब है उसके अंडरनीथ नीचे एक शैलो डिप्रेशन होता है, वहाँ पर मौजूद होता है। आज के लेक्चर में हम इसकी एनाटॉमी को, इसकी फिजियोलॉजी को और इसकी केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास सामने डायग्राम है गॉल ब्लैडर की। सिंपलिसिटी के लिए मैंने सिर्फ गॉल ब्लैडर को ही शो किया हुआ है ताकि इसकी अतर आसानी के साथ इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जा सके। तो ये जो शेप है, ये आपको जो नज़र आ रही है पियर शेप, ये गॉल ब्लैडर है। तो ये लिवर की नीचे वाली सरफेस पे डिप्रेशन के अंदर जो है वो मौजूद होता है। इसकी बॉडी के तीन मेजर पार्ट होते हैं। एक इसका मेजर पार्ट जो है उसे फंडस कहते हैं, फिर उसके बाद इसकी बॉडी आ जाती है और फिर उसके बाद इसकी नेक आ जाती है। बॉडी और नेक के दरमियान एक हिस्सा है जिसे इन्फंडिबुलम भी कहते हैं, जो कि नैरो पोर्शन होता है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर की जो दीवार है वो तीन लेयर से बनी होती है जो कि काफ़ी मजबूत होती हैं, जो कि इसके फंक्शन को देखते हुए कुदरत ने इनको लेयर्स को बनाया हुआ है। आमतौर पर ये जो गॉल ब्लैडर होता है इसके अंदर इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 7 to 10 सेंटीमीटर जो है साइज़ होता है इसका लेंथ वाइज, और अगर हम डायामीटर की बात करें तो तकरीबन 4 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जो है, सेक्रीशन जो कि लिवर की है, वो स्टोर होती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 50 ml के करीब होती है, जिसके 50 ml बाइल इसके अंदर जो है वो स्टोर किया जा सकता है। अगर हम गॉल ब्लैडर के बाकी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर आपको एक डक्ट नज़र आ रही है जिसे हिपेटिक डक्ट कहते हैं। ये लिवर से आ रही होती है, जिसमें से लिवर से आने वाली जो सेक्रीशंस हैं वो गॉल ब्लैडर में पहुँचती हैं और जहाँ पर इनको टेम्पोरेरली जो है वो स्टोर किया जाता है और इनकी सेक्रीशन को मॉडिफाई किया जाता है। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो ये जो आपको मेन डक्ट नज़र आ रही है इसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। कॉमन बाइल डक्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है डूडिनम, उसके अंदर ओपन होती है और इसका कुछ डाइजेस्टिव रोल भी है जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये एक छोटी सी डक्ट जो है ये पैंक्रियास से आ रही है, इसे पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जिसके ज़रिए पैंक्रियाटिक जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है। तो ये मैंने छोटा सा पोर्शन जो है वो ड्यूडिनम का यहाँ पर शो किया हुआ है। अगर हम ओवरऑल गॉल ब्लैडर के फंक्शन की बात करें तो गॉल ब्लैडर जो है सबसे पहले तो लिवर से प्रोड्यूस होने वाले जो बाइल है उसको ये स्टोर करता है। बाइल के ऊपर हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। इसके अलावा ये बाइल की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जब बाइल इसके अंदर आ जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर तो वो थोड़ा सा पतला होता है, तो उसको उसके अंदर से वाटर एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है। उसकी जो दीवारें हैं वो वाटर को एब्ज़ॉर्ब हो जा कर लेती हैं और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर अल्ट्रेशन होती है पीएच की। तो पीएच जो है ये बाइल की जो पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आमतौर पर शुरू में इसकी जो पीएच है वो 8 से लेकर 8.6 होती है, जिसको बाद में रिड्यूस करके 7 to 7.6 तक जो है वो मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा ये गॉल ब्लैडर जो है ये म्यूसिन सेक्रीट करता है, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा ये मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर इन बाइलरी सिस्टम के अंदर, ये जो बाइलरी सिस्टम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसके प्रेशर को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से बाइल जो है वो आसानी के साथ फ्लो कर सकता है गॉल ब्लैडर से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब गॉल ब्लैडर के जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो उसके अंदर मौजूद केमिकल जिसे बाइल कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जो बाइल है वो क्या है? बाइल जो है ये बेसिकली पानी और सॉलिड्स पर मुश्तमिल होता है। पानी जो है वो 97.6% है, जबकि सॉलिड जो हैं वो सिर्फ 2.4% है।
इन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो इनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो मौजूद हैं। अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो उसमें बाइल पिगमेंट्स जैसे बिलीरुबिन आ जाता है, जो कि ब्रेक डाउन है आरबीसी की। उसके अलावा बाइल साल्ट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लेसिथिन, जो कि एक फैट की टाइप है, लिपिड्स की टाइप है, वो मौजूद होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड और म्यूसिन जो है ये मौजूद होते हैं, जो कि बाइल का हिस्सा हैं। इनऑर्गेनिक अगर हम बात करें केमिकल्स की, तो उसमें सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन्स हैं, ये भी इसके अंदर बाइल के अंदर जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो बाइल के अंदर जो है ये बेसिक जो कंपोनेंट है इसका, वो बाइल साल्ट्स होते हैं। और ये जो बाइल साल्ट्स होते हैं, इनके जो फंक्शन हैं वही बेसिकली बाइल के फंक्शन हैं और वही बेसिकली गॉल ब्लैडर के फंक्शन हैं। तो उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बाइल के अंदर बाइल साल्ट्स की बात करें, तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट्स को डाइजेस्टेबल बनाते हैं। जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं जिसमें ऑयल मौजूद हो, घी मौजूद हो, बटर मौजूद हो, लिपिड्स मौजूद हो, चर्बी मौजूद हो, ये उस वक्त तक डाइजेस्ट नहीं होगी जब तक इसकी इमल्सिफिकेशन नहीं की जाएगी। बाइल साल्ट जो हैं ये जो मौजूद होते हैं बाइल के अंदर, ये एक डिटर्जेंट इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके अंदर फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को बहुत ही बारीक मॉलिक्यूल्स में तब्दील किया जाता है, ताकि जो लाइपेज एंजाइम है वो फैट्स के मॉलिक्यूल पर अटैक कर सके। जितना मॉलिक्यूल फैट का छोटा होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और उसके ऊपर एंजाइम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों का बाइल नहीं होता, यानी गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है या बाइल कम पैदा होता है, तो ऐसे लोगों में आमतौर पर फैट डाइजेस्ट नहीं होता, तो गैस का प्रॉब्लम रहता है और इस तरीके के मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। तो इमल्सिफिकेशन जो है ये बेसिकली फैट्स के लार्जर पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को, बहुत ही टाइनी बारीक मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र करने का नाम है, विद हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट जो हैं अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट में भी अहम रोल अदा करते हैं। तो जैसे कि अगर फैट जो है वो बारीक बारीक पार्टिकल मिसेलिस में तब्दील नहीं होगी, वो अब्सॉर्ब नहीं होगी। अगर फैट अब्सॉर्ब नहीं होगी तो फिर वो जिस्म का हिस्सा भी नहीं बनेगी। तो इसलिए डाइजेशन के साथ साथ, इमल्सिफिकेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन में भी बाइल साल्ट बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा बाइल साल्ट जो हैं वो कोलेरिटिक एक्शन भी करते हैं। कोलेरिटिक एक्शन क्या होता है कि बाइल साल्ट जो हैं ये बाइल को रिलीज़ करवाते हैं गॉल ब्लैडर से, तो स्टिमुलेशन का काम करते हैं। इसके अलावा बाइल साल्ट जो हैं ये कोलेगॉग एक्शन करते हैं, यानी बाइल साल्ट की मदद से जो गॉल ब्लैडर की वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, ताकि इसके अंदर मौजूद बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए बाइल रिमूव किया जाता है, लेकिन जो गॉल ब्लैडर की दीवार का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, उस एक्शन को कोलेगॉग एक्शन कहते हैं, जो कि बाइल साल्ट की वजह से होता। बाइल साल्ट जो हैं लैक्सेटिव एक्शन भी रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर मौजूद म्यूसिन लुब्रिकेशन का काम करता है और इसकी मुनासिब मकदार स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्दी रखती है और कॉन्स्टिपेशन के मसाइल पैदा नहीं होते। इसके अलावा बाइल साल्ट जो हैं प्रिवेंट गॉल स्टोन फॉर्मेशन। कुछ लोगों में बाइल साल्ट कम हो जाने की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल बढ़ जाने की वजह से बाइल के अंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो क्रिस्टल एक्यूमुलेट इकट्ठे होकर स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और ये जो स्टोन्स होती हैं ये फिर ख़त्म नहीं होती, इनको फिर सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है या गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करना पड़ता है। तो ये गाल जो बाइल साल्ट होते हैं ये स्टोन बनने को रोकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि गॉल ब्लैडर का जो बाइल होता है इसके अंदर म्यूसिन होता है, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक होता है, जो कि सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को किल करने के काम भी आता है। इसके अलावा ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पीएच है उसको भी मेंटेन करता है। देखें, फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है ड्यूडेनम, उसके अंदर कहाँ से आ रही है, स्टमक से।
स्टमक की जो पीएच है वो लो होती है, एसिडिक होती है। तो जैसे ही एसिडिक चाइम जो है वो ड्यूडिनम में आता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बाइल साल्ट हैं ये बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। जब तक वो पीएच चेंज नहीं होगी तो एंजाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते। इसके अलावा इसका एक्सक्रीटरी रोल भी है बाइल साल्ट के ज़रिए। लिवर से बहुत सारे हैवी मेटल जैसे कॉपर है, लेड है, एलुमिनियम है, इसके अलावा टॉक्सिन्स कुछ केमिकल्स जहरीले मादे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसेथन होता है, जिनको लिवर जो है वो रिमूव करता है विद हेल्प ऑफ बाइल, और बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के रास्ते जो है वो जिस्म से खारिज हो जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि आपको गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।